गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SPS ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रवाणी क्लास फोर्थ की बुक हिंदी रीडर का पार्ट 5, दवा का कमाल। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था फोर्थ नंबर, काम की बातें। सो बच्चों, हम चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। तेनालीराम रोज सुबह अपने घर पर लोगों से मिलते थे। कई लोग उनसे अपना दुख कहते। तेनालीराम अपनी बुद्धि से सबका कष्ट दूर कर देते थे। वे लोगों को बढ़िया उपाय बताते थे। तेनालीराम नाम का एक व्यक्ति था जो रोज सुबह अपने घर पर लोगों से मिलते थे। क्यों मिलते थे? क्योंकि लोग उनसे अपना दुख कहते थे और तेनालीराम अपनी बुद्धि से उन सबका कष्ट दूर कर देते थे और वे बढ़िया उपाय भी बताते थे लोगों को। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया। उसका नाम धनी राम था। वह बहुत दुखी लगता था। तेनालीराम ने पूछा, इतने परेशान क्यों हो भाई? एक दिन एक व्यक्ति फिर उनके पास उनके घर आया और उसका नाम क्या था? धनीराम। उस व्यक्ति का नाम था धनीराम और वह बहुत दुखी था। तेनालीराम ने उससे पूछा, इतने परेशान क्यों हो भाई? तो देखते हैं धनीराम ने क्या कहा। धनीराम ने कहा, क्या बताऊं तेनालीराम जी, मेरी हालत बहुत खराब है। मेरा पड़ोसी बहुत झगड़ालू है। वह छोटी छोटी बात पर झगड़ा करने लगता है। जब बोलना शुरू करता है तो चुप ही नहीं होता। मैं उससे बहुत तंग आ चुका हूँ। धनीराम ने क्या क्या कहा कि क्या बताऊं तेनालीराम जी, मेरी हालत तो बहुत खराब है। धनीराम का कोई पड़ोसी है जो बहुत झगड़ालू है। बात बात पे धनीराम के साथ झगड़ा करता है। बोलना जब वो शुरू कर देता है उसके बाद वह चुप ही नहीं होता है। तो इन सब बातों से धनीराम तंग आ चुका था। इसका उपाय ढूंढने वह तेनालीराम के पास आया था। अब तेनालीराम ने पूछा, क्या तुम उस पर गुस्सा नहीं करते? तो धनीराम ने क्या जवाब दिया, जी गुस्सा तो आ ही जाता है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि चुप रहूंगा लेकिन रहा ही नहीं जाता। तेनालीराम कुछ सोचने लगे। धनीराम चुपचाप खड़ा था। अब जब तेनालीराम ने पूछा कि क्या तुम उस पर गुस्सा नहीं करते जब वो बोलता है, तो धनीराम ने जवाब दिया, जी गुस्सा तो आता ही है पर सोचता हूँ कि चुप रहूंगा लेकिन रहा नहीं जाता। अब तेनालीराम सोचने लगे और धनीराम चुपचाप खड़ा रहा। तेनालीराम बोले, मैं तुम्हें एक दवा देता हूँ। तुम्हें यह दवा पीनी नहीं है, सिर्फ कुल्ले करने हैं। पड़ोसी जब बोलने लगे तब मुंह में भर लेना। दवा को तब तक अपने मुंह में रखना जब तक वह बोलता रहे। जब वह चुप हो जाए तब कुल्ला कर देना। अब तेनालीराम क्या उपाय बताया कि मैं तुम्हें एक दवा देता हूँ, तुम्हें यह दवा पीनी नहीं है, सिर्फ क्या करने हैं? कुल्ले करने हैं। पड़ोसी जब बोलने लगे तो मुंह में उसे भर लेना और दवा को तब तक अपने मुंह में रखना जब तक वह बोलता रहे और जब वह चुप हो जाए तो उसे मुंह से बाहर निकाल देना, यानी कुल्ला कर देना। जी बहुत अच्छा, धनीराम बोला। तेनालीराम भीतर गए और एक बड़ी बोतल ले आए। बोतल में दवा थी। धनीराम ने बोतल ले ली और वहां से चला गया। तेनालीराम अंदर गए, भीतर काट होता है अंदर। अंदर गए, एक बड़ी बोतल लेकर आए और बोतल में क्या थी? दवा थी। धनीराम ने बोतल ले ली और वहां से वो चला गया। धनीराम ने दवा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जब कभी उसका पड़ोसी उससे झगड़ा करने लगता तो वह मुंह में दवा भर लेता। जब तक उसका पड़ोसी बोलता रहता वह मुंह में दवा भरे रहता। उसके चुप होने पर वह दवा का कुल्ला कर देता। धनीराम ने दवा का प्रयोग करना क्या किया? शुरू कर दिया। और जब कभी भी उसका पड़ोसी क्या करता, उसे झगड़ा करने लगता है, बोलना शुरू कर देता, तो वो क्या करता, दवा को मुंह में भर लेता और जैसे ही उसका पड़ोसी चुप हो जाता तो उस दवा को वो अपने मुंह से बाहर निकाल देता। ऐसा कई बार हुआ। कुछ ही दिनों में पड़ोसी ने लड़ाई झगड़ा करना ही बंद कर दिया। एक दिन वह तेनालीराम के पास पहुंचा। उसने कहा, तेनालीराम जी आपकी दवा ने तो कमाल कर दिया, जैसे जादू ही हो गया, सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो गए। एक दिन फिर धनीराम किसके पास? तेनालीराम के पास पहुंचा कि आपकी दवा तो काम कर गई, उसने तो जादू ही कर दिया, मेरे तो सारे लड़ाई झगड़े ही खत्म हो गए, यह तो बहुत ही अच्छा हुआ। तेनालीराम ने मुस्कुराकर कहा। ये तेनालीराम जी ने कहा कि धनीराम को कि यह तो बहुत ही अच्छा हुआ। धनीराम बोला, वैसे तो मुझे अब झगड़े की चिंता नहीं रही, फिर भी दवा की एक बोतल और दे दीजिए, कभी जरूरत पड़ सकती है। अब धनीराम बोला, वैसे तो मुझे कोई झगड़े की चिंता नहीं है पर फिर भी अगर कभी ऐसा हो आगे
तो आप मुझे उसके लिए एक बार एक दवा की बोतल और दे दीजिए। यह सुनते ही तेनालीराम की हंसी छूट गई। धनीराम हैरानी से उन्हें देखने लगा। तेनालीराम की हंसी छूट गई और धनीराम उन्हें हैरानी से देखने लगा। अब तेनालीराम जी बोले, मित्र बोतल में कोई दवा नहीं थी, उसमें सिर्फ नमक मिला पानी था। जब तक वह नमकीन पानी तुम्हारे मुंह में रहा तुम बोले नहीं, आखिर पड़ोसी कब तक बोलता। तेनालीराम बोले, मित्र बोतल में कोई दवा थी ही नहीं, उसमें क्या था, नमक का पानी था, और वो जब तक तुम्हारे मुंह में रहेगा तुम बोले नहीं, और आखिर पड़ोसी था वो कब तक बोलता। जब उसने देखा कि तुम बोलते ही नहीं तो वह थक हार कर वह भी चुप हो गया। नमकीन पानी से तुम्हारे मुंह के कीटाणु मर गए, कुछ कुछ पेट भी साफ हो गया। पेट साफ हो तो गुस्सा भी कम आता है। जब उसने देखा कि तुम बोलते ही नहीं तो वह थक हार कर चुप चुप हो गया। और नमकीन पानी से क्या होता है, मुंह के हमारे कीटाणु भी मर जाते हैं, कुछ कुछ पेट भी साफ हो गया तुम्हारा, और क्या होता है, गुस्सा भी कम होता है पेट साफ हो तो, ऐसा कहते हैं। धनीराम आश्चर्य से तेनालीराम का मुंह ताकने लगा। अब वो शॉक्ड रह गया, तो वो उनके मुंह को मुंह की तरफ देखने लगा, गौर से उनको ताकने लगा। तेनालीराम बोले, तुमने कहावत नहीं सुनी क्या, एक चुप सौ सुख। चुप्पी सचमुच दवा का काम करती है। तेनालीराम जी बोले कि तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि एक चुप सौ सुख, जिसका अर्थ होता है कि अगर दो पक्ष जब आपस में झगड़ रहे हो तो जिसमें अगर एक चुप हो जाए तो झगड़ा खत्म हो जाता है। चुप्पी सचमुच दवा का काम करती है। तू मैं से बचने का यह बढ़िया उपाय है। चुप्पी दवा का काम करती है जब आपस में झगड़ा हो तो, एक जने को चुप हो जाना चाहिए। धनीराम बोला, तेनालीराम जी आप तो महान है। धनीराम जी ने तेनालीराम जी को कहा कि आप तो महान है। तो बच्चों, इस चैप्टर से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब आपस में कभी झगड़ा हो जाए, पहली बात तो हमें झगड़ा करना ही नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर आपस में कभी झगड़ा हो जाए किसी के साथ तो हमें चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हम चुप हो जाएंगे तो अगला अपने आप चुप हो जाएगा, तो वो झगड़ा वहीं खत्म हो जाएगा। अगर आपस में दोनों पक्ष बोलेंगे तो झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। सो बच्चों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।